नौ नंबर जो मैंने पहले कहा था सेहत के हवाले से दिक्कत, वो आई नहीं है तो वो आएगी। और बाकी ये कि सफ़र दोबारा आ रहा है इनका, इनका ट्रैवलिंग बहुत हो रही है, सफ़र बार बार आ रहा है, क्योंकि इनका जो है अभी अनकरीब जो है डेढ़ एक साल में, सवा साल में इनका साल आ रहा है। और नौ नंबर के साल के अंदर होता यह है कि एक्सट्रीम नफ़ा एक्सट्रीम नुकसान नौ नंबर के साल में, क्योंकि वो बेसिकली हद अदद है, वो हद अदद है, क्योंकि नौ के बाद फिर सिफर नहीं है, फिर एक आता है, वो हद अदद है इसकी, यानी कि मीज़ान पूरी होती है अदद की, जो कायदे के अंदर एक से लेकर नौ तक उसकी मीज़ान पूरी है, एग्जैक्टली पूरा है। तो उसके अंदर नौ नंबर को बहुत दिक्कत ज़्यादा आती है, हेल्थ के हवाले से है, ऑपरेशंस भी नज़र आ रहे हैं मुझे, यानी कि अगर नियर आउट फ्यूचर में पूछ रहे हैं, ऑपरेशंस भी नज़र आ रहे हैं, हेल्थ के हवाले से भी दिक्कत है। और बाकी ये कि फाइनेंशियली दे विल गेन, लेकिन नौ नंबर का फ़ायदा नहीं होता कोई गेन करने का, जो गेन होगा वो जमा करो। वो मेरे अब्बा कहते थे हाई पैसा हाई पैसा, उन्होंने किताब में लिखा हुआ है, इसका रोना होता है हाई पैसा हाई पैसा। जब भी जो है मसला ये होता है नौ नंबर के साथ कि जमा करता हुआ चला जाता है और किसी के काम नहीं आता, पैसे छुपाने की आदत भी होती है। अगर इसकी आदत देख लो, मेरे अब्बा की किताब मंजिल में देख लें, वेबसाइट के ऊपर फ्री है, नौ नंबर की एक बड़ी उन्होंने खूबियाँ बयान की हैं। क्योंकि नौ नंबर का, क्योंकि नौ नंबर का जो वो मैंने बताया ना कि इसका जो क्या कहते हैं मीज़ान पूरी है आदत के हवाले से, तो बहाव में बहुत बताते हैं नौ नंबर के बारे में, लेकिन प्रॉब्लमेटिक टाइम इनका चल रहा है इस वक्त, कॉम्प्लिकेटेड टाइम चल रहा है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जो चाह रहा है वो हो नहीं रहा, और जो नहीं चाह रहा वो हो के दे रहा है, यानी कि हर तरफ से। और तीसरी चीज़ ये है कि क्या कहते हैं उसको, अनबन का भी डर है इनके, अनबन का भी डर है। अनबन से मतलब मियाँ बीवी का नहीं, बाहर लोगों से, रिश्तेदारों से, जान पहचान के लोगों से अनबन का भी डर है, क्योंकि मसला ये है कि वही मसला है मनी इनके लिए सबसे ज़्यादा, जो चीज़ अकाउंटेबल होती है मनी होती है। ये खैर मैं तो उसके खवास बताने लग गया हूँ, तो दैट्स अबाउट इट।